नमस्कार चंद्रकांति ओडिया फुटेजरे आपमन को बहुत बहुत स्वागत। आज आपमन को संगे शेयर करमी आलू पापड़ रेसीपी। आउ देखुन केते बढ़िया भाव ये पापड़ा रेडी हो जी। आलू संगे विभिन्न प्रकार मसला देकर बन छु पापड़ देखा जितकी सुंदर दिशुचे खाबार लगी तान भी बढ़िया है। आ गोटे गोटे पापड़ के बढ़िया भाव रेडी देख। आ सबुथ बड़ कथा है रंधाघर घंटा घंटा टाइम खर्चा करमको यहाँ जतनी घाटवार नैन कि बेलवार नैन बहुत ही इजी प्रोसेस रे आम आलू पापड़ बनई पार्मा। आउ देख छाणला पापड़ सब के बढ़िया भाव रेडी होगी जी। एकदम हल्का फुल्का आउ प्रॉपर क्रिस्पी ये पापड़टा खाबार लगे बढ़िया लगसी सबुरी। तो चलो देखिए देमा आज रेसीपीटा। आउ ये आलू पापड़ बनाबार लगे आमको निहाती भाव दरकार पा आलू। आती लगे देख मुझे चार्टा सीझाला आलू ये सबके छाली छोड़े देकर ये प्रकार रखी नहीं छे। तार संगे लगवा स्वाद अनुसार नून चिली फ्लेक्स जेनटा कि आम घरे बनालाटा ग्राइंडर ग्राइंडिंग करके रेडी रखीचे। तार संगे लगवा दुई चामच जीरा टिके रिफाइन तेल आउ किटा धनिया पतर के एंता काटी करी। आउ बनावर प्रोसेस रे पहला आम आलू के कुरी देमा। आउ देखुन हेती लागि मुइ नेछे गुटे ग्रेटर टे आउ ए प्रकार सब आलू के आम कोरी के रखमा का बेले जदि आम यहाँ हाथ जो चिटिक नेमा बेले खण खण रही जा आउ भल भाव पापड़ा रेडी ना हुए। ये प्रकार सीझारा आलू के टी कूरी देलापर बहुत ही स्मूथ होकरी आम से चिटकाटा रेडी होगा। सेती लागि आमको कुरबाटा निहाती जरूरी है। देखुन आलू सब कूरी सारापर एसंका आम एमा बाकी सब मसला मान पहला देमा जीरा। आउ जीराटा आप मैंने आलू के देखी करी कम बेसी करके नहीं पार्बे। तार संगे देमा चिली फ्लेक्स धनिया पतर भी इटा आप चॉइस उपरे अच्छे आप चाहिए बेले देवे ना देवा के चाहिए ना देवे। तार संगे देमा नून आ नूनटा टी कम कर देते पापड़ा सुखी गला नूनटा बहुत बेसी लगी जाएसी से लगी टी कम कर नूनटा सब नहीं पापड़ बनाला बेले। तार प्रकार सबके आम भल भाव चिटकी देमा। सबुके देकर ये भाव चिटकी देलापर देख के बढ़िया है आमर आलू चिटकाटा रेडी पूरा पूरी आलू भर्ता भी दिशुचे एछा इतना सैड्रे रखीदेकर आम नेमा गोटे पलिथिन टे पापड़ बनाबार लगे। आउ देख मुई नहीं गोटे मोटा पलिथिन टे जेना कि अटा जरी जाए ये प्रकार टी मोटा पलिथिन आमको दरकार पा पापड़ बनाबार लगे। तार आम रिफाइन तेल टे नहींक पहला हाथ देदेमा आरपर पलिथिन भी देदेमा टे तार संगे आमको आ गोटे छोटे पलिथिन दरकार पड़वा ये प्रकार ट्रांसपेरेंट पलिथिन टे इटा के भी आम तेल देकर रेडी करमा। पर आलू चिटकार टी छिड़े आम गोटे बल्टे बनामा आ तार एंता कर पलिथिन पर रखीदेक तार छोट पलिथिन देकर गोटे प्लेटे नहींकर एंता कर टे हल्का प्रेस करदेमा। देख एंता कर देख के बढ़िया भाव आम पापड़ा रेडी जे तापर ऊपर पलिथिन टे अलग देमा। देख बिना बेली करी गोटे सुंदर गोल टे पापड़ा आमर रेडी हो गला। तार एंता करी सब पापड़ के बनई नमा जेहेतु इटा बेसी परिश्रम नहीं लगे बनाबार लगे हेती लगी बनाला बेले भी मजा लगसी। तार एंता करी सब पापड़ के बनई नमा। आउ पापड़ बेसी पतला नहीं करबे टिके मोटा रखिथिबे जेहेतु आलू पापड़ बेस पतला कर देले भले करी ना फुले। आउ दुई पलिथिन तेल टिके देकर एंता करी प्रेस करी हल्का आम बनई पार्मा पापड़ सब आउ बहुत ही इजी प्रोसेस रे आम बनई पार्मा। चार्टा आलू रे मुई बनई थी 40-45 पापड़ आउ बहुत बढ़िया है कि सब पापड़ रेडी होता। आउ पापड़ सब बनई सारापर एछंका आम इतने देदेमा खरार दुई तीन दिन लगे मानने दुई तीन दिन बढ़िया भाव खरार सुखालापर पापड़ सब आम रेडी छानिक खाबार लगे। आउ देख खरु सुखिक आसला पापड़ सब आम रेडी हो जाए आते बढ़िया भाव रेडी देख ये पापड़े जेन आम दुई प्रकार पापड़ बनई थी इटा टी मिर्चा कम लगी है से लगे ह्वैट दिशुचे आर टी बेस मिर्चा लगे टिके तार रेड कलर आस देख दुई प्रकार पापड़ दुईटा ही आलू पापड़े आउ दुईटा आपको देखे दीचे एछंका ये सबके छानी कर देखमा आता भाव रेडी होगा देखा।
ପର ଛାନବାର୍ ଲାଗି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଇଁ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରିଦେଇକରି ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ଗରମ କରିଥାଏ ଆଉ ତେଲକେ ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ଗରମ ହେବାକେ ଦେବେ ତାପରେ ପାପଡ଼ ଛାନବେ ଆଉ ଦେଖନ୍ ପାପଡ଼ ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଏକଦମ୍ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଦୁଇ ସାଇଡ଼୍କେ ଭଲ ଭାବେ ଆମେ ଛାଣିଦେମା ଆଉ ଦେଖନ୍ କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇକରି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛେ ପୁରା ପୁରି ରେଡ଼୍ ରେଡ଼୍ ଟିକେ ଟିକେ ହାଲକା ହାଲକା ହ୍ୱାଇଟ୍ ହେଇକରି କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ହେଇକରି ପାପଡ଼ ସବୁ ଆମର ରେଡ଼ି ହେଇଛେ ପୁରା ପୁରି ପ୍ଲେନ୍ ଆଲୁରେ ଆମେ ଦେଇଥିଲା ମିର୍ଚା ଜିରା ଆଉ ଧନିଆ ପତର ଏସବୁ ମିଶିକରି ପାପଡ଼କେ ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ବନଉଛେ ଏନ୍ତା କରି ଆପଣମାନେ ବନେଇକି ଦେଖନ୍ ନିହାତି ଭାବେ ପାପଡ଼କୁ ଭଲ ଲାଗ୍ବା ଖାଇବାର୍ ଲାଗି ଆଜିର ଏଇ ରେସିପି ଭାବୁଛେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିବା ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗ୍ଲା ବେଲେ ଲାଇକ୍ଟେ ନିହାତି ଭାବେ କରିବେ ଆଉ କେହି ଯଦି ନୂଆ ଦେଖୁଛନ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍କେ ବେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକେ ନାଇଁ ଭୁଲ୍ବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ନିଜର ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାର ଗୋଟେ କୁକିଂ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟେ ନିଜର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଅର୍ ରିଲେଟିଭ୍ମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସେୟାର୍ ବି କରୁନ୍ ଆଜି ରଖୁଛେ।